हे गाइस वेलकम बैक। आज के स्टूडियो में आपको जोन से रिलेटेड हर वो डाउट जो अब तक आपके मन में रहा है, हर वो छोटी से बड़ी डाउट आपकी आज क्लियर हो जाएगी। चाहे वो इन सारे जोन के एब्रिविएशन से लेकर के आप किस जगह से आते हो, वो कौन से जोन में पड़ता है, वो बातें हो, या फिर सबसे बड़ा डाउट जो अभी तक सबके मन में रहा है, ये आरपीएसएफ आखिरकार किस जोन में आता है, ये आरपीएसएफ जोन भी है क्या। ये आज तक ऐसा तो नहीं देखने को मिलता था कि आरपीएसएफ कोई जोन है। तो ये चीज, सारी चीजें जो आपके मन में थी, जो आपने लगातार कमेंट्स में मुझे से पूछा, वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। गाइस एग्जैक्टली एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट डाउट्स जो कि आपको जानना चाहिए, जो कि आपके मन में हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की जाती है। अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके डाउट्स इंपॉर्टेंट होंगे तो उस पर वीडियोज भी बनेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन एग्जैक्टली टाइम पे मिले। तो चलिए अब अच्छे से समझते हैं इन सारी बातों को। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं, आप किस ग्रुप में आते हो और वो ग्रुप में कौन कौन सा जोन है। जोन रेलवे का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ग्रुप ए में यहाँ पे एसआर जोन है, एसडब्ल्यूआर जोन है, एससीआर जोन है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि एसआर जोन, एसडब्ल्यूआर जोन, एससीआर जोन मतलब क्या होता है। तो एसआर मतलब क्या होता है, ये चीज जानने के लिए आपको जस्ट थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे अगर आप आओगे तो इन सारे एब्रिविएशन का फुल फॉर्म दिया हुआ है। एसआर मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साउथ साउदर्न रेलवे जोन, एससीआर मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। इसी तरीके से आपको जितने भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं उन सारे एब्रिविएशन के फुल फॉर्म यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपको ये चीज यहाँ पे जरूर समझना होगा कि आरपीएसएफ क्या है, आरपीएसएफ क्या जोन है। तो इस चीज को लेकर के मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता देता हूं। पहले ये तो समझ ले कि ये जो आप जिस जगह पे रहते हो, वो अगर आपको पता करना है कि कौन से जोन में आता है, यानी कि कौन से जोन में आने के साथ साथ वो कौन से ग्रुप में आता है, तो आप कैसे पता करोगे। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, जो कि आपको डायरेक्टली ले जाएगा उस जगह पे जहां पे आपको पता चलेगा जो भी जोन में आप आते हो, जो भी शहर में आप आते हो, वो किस जोन में आता है और आप उस जोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे, वो सारी बातें आपको वहां पे पता चल जाएगी। ये एक विकिपीडिया का वेबसाइट है जो कि आपको बिल्कुल जेन्यून चीजें बताएगा कि आप जिस जोन से आते हो वो किस जोन। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ जोन्स एंड इट्स डिविजन्स दिखेगा। यहाँ पे जब लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो रेलवे जोन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सारे रेलवे जोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप अगर गौर करोगे तो सारे रेलवे जोन में कहीं पे भी आपको आरपीएसएफ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे आप, ये सारा कोड है रेलवे जोन्स का, ये रेलवे जोन्स का नाम है और ये उनका कोड है जो कि वहां पे आपको दिया गया है वैकेंसीज में। तो यहाँ पे आप देख लो, कहीं पे भी आपको आरपीएसएफ का जिक्र किया गया है, कहीं पे भी आरपीएसएफ का जिक्र नहीं किया गया है। तो जब कहीं पे आरपीएसएफ का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि आपको यहाँ वैकेंसी में दिख रहा है आरपीएसएफ, जिसे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ येलो कलर से, तो आप ये चीज जरूर आपके मन में खटक रहा होगा कि रेलवे जोन आरपीएसएफ तो कोई रेलवे जोन नहीं है। तो बिल्कुल ये सही बात है, आरपीएसएफ कोई रेलवे जोन नहीं है। आरपीएसएफ एक मात्र इसका फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। देखिए आरपीएसएफ और आरपीएफ में क्या अंतर होता है, इस पे आप बहुत चीजें गूगल करोगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बातें नहीं पता चलेंगी। मैं आपको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि आरपीएसएफ और आरपीएफ में क्या डिफरेंस है, आरपीएफ को क्या काम करना पड़ता है, आरपीएसएफ को क्या काम करना पड़ता है, आरपीएसएफ की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उनको मिलने वाले अलाउंसेस बेनिफिट्स क्या है, और आरपीएसएफ में अगर आप काम करते हो तो उसमें क्या कुछ तकलीफें हैं, क्या कुछ आपको कठिनाइयां हैं, वो सारी बातें आपको पता चलेंगी। हालांकि एक बात मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि आरपीएसएफ में अगर आप काम करते हो तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर आरपीएफ के मुकाबले अच्छी होती है, बेहतर होती है, लेकिन इसमें आपको स्टेबिलिटी, आरपीएफ के मुकाबले स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, एक जगह पे आप पोस्टेड रहना आरपीएफ के मुकाबले कम होता है। यानी कि अगर आप आरपीएफ में काम करते हो तो आप एक, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पे आपको मिनिमम 3 साल आप जरूर रुकते हो, बट आरपीएसएफ में जो है, अगर आप काम करते हो तो काफी आपको मूवमेंट करना पड़ता है, आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। ये एक बटालियन में काम कर रहा होता है, ठीक है।
तो इस पे मैं डिटेल में आपको बहुत सारी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट करके पूछ लो, अगर आपको इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ जो भी सारे डाउट्स हैं आप कमेंट में अभी ही जरूर जाकर के लिख दीजिए, ताकि मैं उन सारे कमेंट्स के सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट्स को उस वीडियो में कंक्लूड कर सकूं, सारे डाउट्स को उस वीडियो में डाल करके आपको आपके सॉल्यूशंस देने की कोशिश कर सकूं। तो जो भी क्वेश्चंस है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है, तू रब्बा जो मेरी इतनी भी तू ना सुने। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आप जिन जगहों पे काम करना चाहते हो वो किस रेलवे जोन में आता है और उसका कोड क्या है और वो किस ग्रुप में आता है। तो देखिए, अगर आप दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ या फिर मुरादाबाद में काम करना चाहते हैं लगातार, तो आपको नॉर्दर्न रेलवे में से फॉर्म भरना चाहिए। उसका कोड है NR, और ये NR किस ग्रुप में आता है, तो ग्रुप D में आता है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, मैं कुछ जगहों का आपको बता देता हूँ। इज्जत नगर, लखनऊ या फिर वाराणसी में आप अगर पोस्टेड रहना चाहते हैं तो आप जिसका जोन हेडक्वार्टर है गोरखपुर और उसे रेलवे जोन है उसका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसे NER भी कहा जाता है, तो फिर आप चेक करोगे कि NER कोड किस में आता है, तो NER आपको ग्रुप D में ही आता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, जोन आपको जोन का यहाँ पे कोड यहाँ पे दिया हुआ है और किस रेलवे जोन में ये डिवीजन में पड़ता है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे लोग अक्सर काम करना चाहते हो उन जगहों का मैं आपको रेलवे डिविजन और रेलवे जोन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर आप हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा में काम करना चाहते हो, बिहार और उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम लोग इन जगहों पे भी अगर काम करने को पोस्टेड अगर हो जाए तो ज्यादा दूरी नहीं होती है, वो एक रात का जर्नी होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग काम करते हो, यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश इन जगहों के लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं है। तो आप अगर आप हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा में काम करना चाहते हो जिसका हेडक्वार्टर है सियालदह में, उसका रेलवे जोन का नाम है ईस्टर्न रेलवे जोन, जैसे ER उसका कोड है। तो अब आप चेक करोगे कि ER किस में आता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ER आपका आता है ग्रुप C में, तो आप ग्रुप C के लिए अप्लाई करोगे। इसी तरीके से आपको पहले आपको ये चेक करना है कि आप किस जगह पे काम करना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी कहाँ है। जैसे बहुत लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट इससे भी डिसाइड की जाती है कि कहाँ पे कट ऑफ कम हो, तो सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा इन जगहों पे कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो अगर आपको श्योर शॉट नौकरी चाहिए होती है और वो आपकी प्रायोरिटी होती है, तो आप सिकंदराबाद में भी काम करने से हिचकते नहीं हो। तो अगर आपकी प्रायोरिटी इस तरीके से है कि सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गोंटकल, गुंतूर, नंदीद इन जगहों पे आप काम कर सकते हो, तो आपको साउथ सेंट्रल रेलवे से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिसका कोड है SCR और उसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। और SCR आप चेक करोगे कि किस ग्रुप में आता है, तो आप यहाँ पे देखोगे जोनल रेलवे कोड यहाँ पे दिया हुआ है SCR और उसका ग्रुप है ग्रुप A। फिर देखा जाए तो मुंबई में भी कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि मुंबई में भी जो है लोग अपने तरीके से व्यवसाय करना चाहते हैं, वहाँ पे अक्सर कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलता है। तो मुंबई में आप अगर काम करने से परहेज नहीं करते हो, मुंबई में आप अगर कंफर्टेबल हो काम करने से, पुणे में काम करने से, सोलापुर में, नागपुर में काम करने से अगर आप कंफर्टेबल, भुसावल में अगर आप काम करने से कंफर्टेबल हो, तो आपको सेंट्रल रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और जिसका कोड है CR और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये CR कहाँ पे किस ग्रुप में लाई करता है, तो आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में, तो CR आपका ग्रुप B में आता है। अभी तक आपने देखा कि RPSF की जिक्र यहाँ पे कोई भी विकिपीडिया में भी नहीं की गई है। RPSF एक नए तरीके से यहाँ पे ग्रुप F में इंक्लूड कर दिया गया है। क्यों इंक्लूड किया गया है, आपको इसका आंसर मिलेगा, जरूर मिलेगा, समझने वाली आपको बात होगी और अच्छे से आप समझ जाओगे। फिर इलाहाबाद में बहुत भीड़ रहता है, इलाहाबाद में काम करने वालों की इच्छा बहुत रहती है, उत्तर प्रदेश के लोग भी काम करना चाहेंगे, बिहार के लोग भी इलाहाबाद, आगरा, झांसी में काम करना चाहेंगे, झारखंड के लोग भी यहाँ पे काम करना चाहेंगे और फिर मध्य प्रदेश के लोग भी इलाहाबाद, आगरा, झांसी में काम करना चाहेंगे, क्योंकि उनके दूरी इन जगहों की, इन
इन एरियाज से ज्यादा दूरी नहीं है। तो अगर आप इन तीनों जगह पे काम करना चाहोगे, इलाहाबाद, आगरा, झांसी में, तो आप नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से फॉर्म अप्लाई करिए। आपका कोड है एनसीआर और हेडक्वार्टर है उसका इलाहाबाद। तो एनसीआर अगर आप देखोगे तो एनसीआर किस जगह पे आता है, तो एनसीआर आपका आ गया ग्रुप डी में। यहाँ पे आप देख लीजिए ग्रुप डी में। इसी तरीके से आपको चेक करना है। फिर चलिए बिहार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर आप दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर, इन जगहों पे काम करने से आपको परेशानी नहीं है, या आप इन जगहों में रहते हो, इन जगहों पे ही काम करना चाहते हो, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, यानी कि ECR, जो कि उसका कोड है। इसका हेडक्वार्टर अगर आप बात करोगे तो हाजीपुर इसका हेडक्वार्टर है। और ECR किस ग्रुप में आता है, तो आप ECR देखोगे, चेक करोगे नोटिफिकेशन में, तो ECR आता है आपका ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में आप अप्लाई करोगे फॉर्म अप्लाई। इसी तरीके से आप चेक कर लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं RPSF के बारे में। आखिरकार RPSF क्या है, RPSF को क्यों डाल दिया गया है इस पूरे जोन्स के लिस्ट में, जोनल रेलवे जोन्स के लिस्ट में RPSF को क्यों डाला गया है। ग्रुप एफ में RPSF को रखा गया है। 54 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है सीट, SC के लिए एक है, तीन है ST के लिए, OBC के लिए एक है, टोटल 59 सीट है। फीमेल में अगर बात की जाए तो फीमेल में RPSF को कोई भी सीट नहीं दिया गया है। तो ये भी चीजें आपको बिल्कुल सही तरीके से समझा रही होगी कि RPSF एक थोड़ा सा RPF के मुकाबले थोड़ा सा टफ काम है। तो इसलिए यहाँ पे फीमेल को, और ये बहुत ही इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसमें आपको हमेशा मूवमेंट करते रहना होगा, हमेशा एक जगह पे आप नहीं रहोगे। इसलिए ये थोड़ा, अगर फीमेल्स के लिए ये थोड़ा अच्छा आइडियल पोस्ट नहीं है, आइडियल जगह नहीं है इस जोन में काम करना, ये आइडियली उनके लिए बेस्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे फीमेल के लिए कोई भी रिजर्व सीट यहाँ पे नहीं दिया गया है, सरकार के तरफ से ही नहीं दिया गया है। तो आप समझ सकते हो RPSF लड़कियों के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें मूवमेंट करते रहना होगा। अब समझ लीजिए RPSF में करना क्या है। देखिए RPSF पे मैं आपको डिटेल में वीडियो में बता दूंगा, बट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि पहले जब RPF में बहाली होती थी, तो RPF में बहाली होने के बाद उन्हें क्या करना पड़ता था, सारे प्रोसेस को पार कर लेने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेडिकल होकर के जैसे ही उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, तो उस में वो क्या होता था, उसी में से कुछ बंदों को, कुछ RPF को सेलेक्ट कर लिया जाता था RPSF के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। एक अगर छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री देखा जाए, तो इसे अच्छे से समझाऊंगा, बट ये ड्यूरिंग चाइना एग्रेशन ऑफ 1962 में RPSF की एक तरीके से स्टैब्लिश किया गया था। ये एक गुट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, स्पेशल फोर्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इन लोगों को बेसिकली जो भी मोस्ट सेंसिटिव जगहें होती है, वहां पे उन्हें मूवमेंट करना रहता है। ये बटालियन में काम कर रहे होते हैं, तो इन्हें उन जगहों पे हमेशा मूवमेंट किया जाएगा, और मूवमेंट किया जाता था। बट इन लोगों की बहाली होती कैसे थी, RPSF में कैसे लोग बहाल किए जाते थे, तो अब तक क्या होता था, RPF की जैसे ही ट्रेनिंग होती थी, तो उन्हीं ट्रेनी में से कुछ लोगों को RPSF के लिए चुन लिया जाता था, कुछ लोगों को RPF में ही रखा जाता था। ये चीजें नहीं थी कि अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, इसमें कोई मापदंड बहुत तगड़ा टाइप का नहीं रहता था कि RPSF के लिए ये मापदंड होगा। ये रैंडमली जो अथॉरिटीज थे वो उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते थे RPSF की, वो उनकी अपने जो उनका मेजरमेंट होता होगा उस तरीके से वो कुछ लोगों को RPSF में चुनते थे और कुछ लोगों को RPF में चुनते थे। जो मेरे अपने, जिनकी जिनसे मुझे ये सारी चीजें, मैं मदद जिनके मदद से ये वीडियोस बन पा रही हैं, उनको भी RPSF में सबसे पहले ज्वाइनिंग मिली थी, और उसके बाद वो फिर RPF में उन्हें मूव करा दिया गया था। तो पहले क्या होता था कि RPSF के लिए कुछ लोगों को तुरंत भेजा जाता था, और वो फिर वापस RPF में उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता था। अभी क्या कर रहा है सर, किया जा रहा है रेलवे की तरफ से, कि RPSF के लिए स्पेशली यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। यानी कि आपको अभी से ही चुन लेना होगा, चुन लीजिए कि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आप RPSF में सब इंस्पेक्टर के रोल में काम करना चाहोगे, या फिर कांस्टेबल के रोल में काम करना चाहोगे, या फिर नहीं। तो अगर आप RPSF में नहीं करना चाहते हो, तो इन ग्रुप में आपको सेलेक्ट करना होगा, जो ग्रुप आप चाहते हो, जो आपकी प्रायोरिटी है उनमें आप ऐड करो। या फिर अगर आप RPSF में ही काम करना चाहते हो, जिसकी सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ी अच्छी होती है, इसमें बहुत कुछ होता है, जहां पे एक चीज आपको अच्छे से बता दूं, RPSF में अगर आप काम करते हो, तो जहां पे भी आपको मूवमेंट किया जाता है, आपके साथ सब कुछ जाता है, किचन से लेकर के गेम से लेकर के आपकी जो भी फैसिलिटीज, इसमें RPSF को फैसिलिटीज के मामले में बिल्कुल कुछ भी सोचना
ही नहीं है। फैसिलिटीज जितना आरपीएफ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप आरपीएफ के वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर जा करके देख लीजिए। आई बटन में मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, उस पर आप अगर जाओगे तो उस पर वीडियो में आपको आरपीएफ की सैलरी स्ट्रक्चर, आरपीएफ को कितना हॉलीडे मिलता है, कितनी छुट्टी मिलती है, आरपीएफ से जुड़ी हुई हर वो इंपॉर्टेंट बात जो आपके मन में आ रही होंगी वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। यकीन मानिए आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, बहुत फायदा होगा। तो उसमें वो सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। तो अगर आप आरपीएफ को जो फैसिलिटीज दी जाती है उससे अगर आप प्रभावित हो, आपको लगता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो ये बात जान जाइए आरपीएसएफ को जो मिलने वाली फैसिलिटीज है वो उससे दोगुनी है, दोगुनी है। मैं आपको इस पे वीडियो सेपरेट बनाकर बताऊंगा, दोगुनी उसमें फैसिलिटीज आरपीएसएफ को मिलती है। बट इसमें बस एक चीज जो डिमेरिट है कि इसमें आपको फैमिली से थोड़ा सा आप दूरी हमेशा बना के आपको रखना पड़ेगा। इसमें जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको हमेशा मूवमेंट करते रहना होता है, तो इसमें आपको फैमिली लाइफ जीने का मौका बहुत कम मिल रहा होता है। तो इस चीज़ को लेकर के बस ये एक डिमेरिट है। बाद बाकी फैसिलिटीज़ जो रेलवे दे रही होती है आरपीएसएफ को, वो उसमें कहीं से भी कमी नहीं है। आरपीएसएफ को वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आरपीएफ को मिलती है, साथ में आरपीएफ से दोगुनी फैसिलिटीज़ आरपीएसएफ को मिल रही होती है। तो अब आप समझ लो कि आरपीएसएफ में अगर आप सब इंस्पेक्टर के रोल में अगर आप काम करते हो तो आपकी फैसिलिटीज किस हद तक होगी। तो यहीं पे आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त ही आपको खुद कुछ ये माइंड सेटअप कर लेना है कि आप मूवमेंट कर सकते हो कि नहीं, स्टेबिलिटी के साथ समझौता कर सकते हो कि नहीं, यानी कि स्थिरता के साथ समझौता अगर आप कर सकते हो तो आरपीएसएफ में अप्लाई करना आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत लोगों को आरपीएसएफ यानी कि मूवमेंट नहीं पसंद है, हमेशा फैमिली से दूर रहना ये नहीं पसंद है, तो इसमें भीड़ थोड़ा कम रहेगा। तो इस चीज को भी आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि इसमें भीड़ थोड़ा कम रहेगा, आरपीएसएफ में काम करने वालों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं कि वो अपने घर के आसपास ही काम करें। तो अगर आपकी प्रायोरिटी में आप फैसिलिटीज हैं, आपकी फैमिली की फैसिलिटीज ज्यादा है, तो आरपीएसएफ इज बेस्ट फॉर यू। यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, यू कैन अप्लाई फॉर दिस ग्रुप। सो बेसिकली इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू दोज पर्सन हु कैन एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज विथ देयर स्टेबिलिटी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली हो। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स से वो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, और जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं क्वेश्चंस, जो तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन सारी चीजों को बहुत ही एग्जैक्ट बना के, आसान बना करके आपके लिए एक वीडियोज लाने वाला हूं मैं। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और वो एग्जैक्टली टाइम पे मिले। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों तक, और अंत में आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।